और चले बात करेंगे हक की बात, मंच पर साथ। विरोधी को आपने एक मंच पर साथ नहीं देखा होगा, वो भी एक ही मांग को लेकर एक ही मंच पर दिखे तो ये हैरान कर देने वाला है। अच्छी बात ये कि हक की बात, मंच पर एक साथ। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामूनगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री की जमीन को सीमेंट फैक्ट्री मालिकों द्वारा बेचने, सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों के बकाए भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार बीती रात एक ही मंच पर नजर आए। जिला मुख्यालय के साहूनगर सीमेंट फैक्ट्री में आयोजित जनसभा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक दानिश अब्रार ने श्रमिकों को उनकी हर समस्या में सहभागी होने का विश्वास दिलाया। मीणा ने कहा इस दौरान कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अब तक श्रमिकों का बकाया भुगतान नहीं किया गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद भी फैक्ट्री के मालिकों द्वारा अवैध तरीके से फैक्ट्री की जमीन और संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये सरासर गलत है। फैक्ट्री प्रबंधन को बिना श्रमिकों के बकाया भुगतान की जमीन बेचने नहीं दी जाएगी, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये कहा गया है मीणा की ओर से। विधायक दानिश अब्रार ने कहा इस मामले में कि जनभावनाओं के अनुरूप कार्रवाई होगी और हमेशा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के लिए खड़े रहेंगे। फैक्ट्री के लोगों की जो हालात है, जो पीड़ा है, वो सब किसी से छुपे हुए नहीं है, कोई किसी से परे नहीं है और ये हर चुनाव का मुद्दा रहता है। तो मुद्दा रखना अलग होता है और मुद्दे को हल करने के प्रयास अलग होते हैं। तो आज मुद्दे को हल करने के प्रयास की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ जब मजदूरों की मदद करने की, उनकी समस्या के हल करने का सवाल आता है तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मजदूरों के लिए काम करना है। 87 से अब तक का जो भुगतान है मजदूरों का वो करीबन 133 करोड़ रुपए बनता है, वो भुगतान किया जाए ये हमारी मांग है। और हमको मैनेजमेंट ने आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में भरोसा दिया है कि हम पूरा भुगतान करेंगे और ये एक यूनिक उदाहरण है। मैंने बहुत लंबा आंदोलन किया है इसका, लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेता शामिल हुए, इसकी मेरे को बहुत खुशी। आरयूएचएस से जुड़े जयपुरी अस्पताल